गूगल माई बिजनेस जो अब जाना जा रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से, जिसकी एक अपनी अलग इंटरफेस हो चुकी है, जिस पे लगभग एक दर्जन टूल्स यानी ऑप्शंस उपलब्ध है, उन्हीं के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, किस ऑप्शन का किस लिए उपयोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज बात कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नए डैशबोर्ड के एक एक ऑप्शन के बारे में। हालांकि हमने इसके पिछले वीडियो में बात किए थे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी गूगल माई बिजनेस अकाउंट बनाने का क्या फायदे हैं, खास तौर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट या छोटे व्यवसाय या बड़े व्यवसाय यानी बिजनेस ओनर्स के लिए किस तरह से लाभदायक है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यदि आप फायदा जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको उस वीडियो को देखना चाहिए। और हाँ, यदि आप पहले से गूगल माई बिजनेस यूज कर रहे थे, अब नई जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी तो नया डैशबोर्ड आ गया, तो उसको किस तरह से उपयोग करना है इसके लिए इस वीडियो में कंटिन्यू रहें। यदि आपकी नई बिजनेस है और नया नया अकाउंट अभी बनाए हैं तो फिर तो आपको पुराना की जरूरत ही नहीं है, अभी नया ही है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इन 12 टूल का कैसे हम लोग उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे, अपनी जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेंगे। उस जीमेल अकाउंट को ओपन करेंगे जिस जीमेल अकाउंट से आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है। इसके बाद हम लोग यहाँ जो 6 डॉट बना हुआ है गूगल ऐप्स टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपका जिससे कि कनेक्टेड है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपके डैशबोर्ड पे खुल जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटल आपके 12 यानी एक दर्जन टूल्स है, एक एक के ऑप्शन में हम लोग जानेंगे। इससे पहले देखिए यहाँ पे दे रहा है, ये बाय डिफॉल्ट मेरा जो ओपन हुआ है ये सर्च इंजन में हुआ है, क्योंकि पहले गूगल माई बिजनेस का एक अलग ऐप होता था, मोबाइल के लिए भी ऐप था और यहाँ भी एक अलग ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब इसको दो जगह इंटीग्रेट कर दिया है, एक गूगल मैप पे एक गूगल सर्च पे। आप कहाँ यूज करना चाहते हैं ये आपसे पूछता है और वहाँ पे यूज कराता है। तो मैंने इसे अपने सर्च इंजन पे यानी कि उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गूगल पे बाय डिफॉल्ट यहाँ गुड्स ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन लिखा हुआ आया और यहाँ पर पूरी मेरी प्रोफाइल दिख रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि योर बिजनेस ऑन गूगल, यानी कि ये जो बिजनेस है हमारी जो गूगल पे है। यहाँ पे जस्ट उसके नीचे आ रहा है कि 454 व्यू दिस मंथ, इस महीने में 454 लोगों ने हमारे प्रोफाइल को व्यू किया है हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सहायता से। तो अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शंस दिख रहा है वो है एडिट प्रोफाइल। यदि आपकी बिजनेस प्रोफाइल में कोई एडिट करना है, कोई चेंज करना है, कोई बदलाव करनी है, तो आप सिंपल एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि मेरा बिजनेस नाम है, बिजनेस कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, ओपनिंग डेट है, मोबाइल नंबर है और यहाँ वेबसाइट भी है और शॉर्ट नेम भी दिया हुआ है। तो सिंपल इस अबाउट टैब पर क्लिक करते हुए इन इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कॉन्टेक्ट है, इसके अलावा आपके लोकेशंस भी है, उसके जस्ट नीचे आपका जहाँ भी लोकेशन होगा, यदि आपकी बिजनेस कहीं चेंज हो गई, लोकेशन चेंज हो गया, तो आप यहाँ से लोकेशन भी अपने बिजनेस का बदल सकते हैं। क्योंकि ये कई लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि अक्सर है कि हमारी बिजनेस लोकेशन बदल भी जाती है, आज यहाँ है कल कहीं और चला गया किसी और मोहल्ले में या किसी और एड्रेस पे, तो उस स्थिति में आप डेफिनेटली अपनी बिजनेस को यहीं से एडिट करेंगे और लोकेशन चेंज करेंगे। यहाँ से क्लोज और ओपन आवर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें कि ब्रेकफास्ट के लिए आपका उस समय बंद रहता है, डिलीवरी, डिनर, जो भी है, तो इसके लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। आपकी बिजनेस किस तरह की है ये निर्भर करता है, उस तरह से आपका बिजनेस एसेबिलिटी क्राउड जो भी है आप यहाँ पे ऐड करते हैं। बहुत सारा दिया हुआ है लेकिन बेसिक चीज़ें अबाउट कॉन्टेक्ट लोकेशन और आवर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ऐड करने के रखना चाहिए और यहाँ पे आप एडिट करेंगे। तो ये पहली ऑप्शन थी एडिट प्रोफाइल। दूसरा है रीड रिव्यू, यानी कि यदि किसी कोई भी आपके कस्टमर्स, आपके स्टूडेंट, यदि आपका कोचिंग है तो जो भी रिव्यू देगा उसको आप यहां से देख सकते हैं और उसको प्रॉपर आप एक तरह से रिप्लाई भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, यहां से रिप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी आपको जो भी रिव्यू दिया उसके आलोक में।
यहाँ से आप गेट मोर रिव्यू का एक बटन बन जाता है। हालांकि ये टूल भी अवेलेबल है आपके डैशबोर्ड पर, भी किसी से भी रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है मैसेज के लिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि आपको डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ऑप्शन भी कर सकता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू, मैसेज कर सकता है, और उस मैसेज की आप इंस्टेंट वहां पे रिप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि इजीली कम्युनिकेट हो जाएंगे आप मैसेज के थ्रू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी लोग यहां पे आपके मैसेज प्रीवियस में किए होंगे या अभी आपको किए हैं तो वो आपको दिखेगा। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो भी बात करेंगे यहाँ पे दिखेगा इस तरह से, और ये मैसेंजर का एक पार्ट हो गया एक तरह से कर सकते हैं। तो ये मैसेज सेक्शन हो गया, यानी कि यहाँ से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो भी मैसेज है देख सकते हैं। यहाँ से आप फोटो ऐड करेंगे, जो भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में देखते हैं कि जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जस्ट हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी डायरेक्ट ऐड फोटो का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट एक फोटो दिखा रहा है। हालांकि इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी फोटो है वो टोटल हमारे बिजनेस में ऐड है, या आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे सिंपली गुड्स ऑफ डिजिटल या गुड्स ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन, तो ये खुल जाएगा और आप उसमें तमाम जितने भी फोटोज है वो आपको दिखेगा। तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, और यहाँ पे तीन तरह का फोटो ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है, एक फोटो हो गया, एक लोगो हो गया, एक कवर फोटो हो गया। तो जनरली हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो फोटो ऐड करते हैं। यहाँ पर सिंपल हम लोग फोटो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यदि हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, या सेलेक्ट पे क्लिक करके हम कोई भी फोटो या वीडियो को ऐड करके अपने इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से लोगो और कवर फोटो भी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए एक्चुअली में हमारी जो बिजनेस है उसकी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितने लोगों तक जा रहा है, क्या मतलब लोग हमारे बिजनेस के साथ इंगेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस को हमको चेक करना हो तो सिंपल हम लोग परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, और बाय डिफॉल्ट ये सितंबर से फरवरी 2023 तक दिखा रहा है। और ओवरव्यू की देखा जाए तो 266 बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शन हुआ है। इंटरेक्शन का मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं, आपके मैप पे आए, कॉल पे आए, वेबसाइट पे आए, यानी इंटरेक्ट हुए हैं। तो ये ओवरव्यू दिखा रहा है, इसका मैप भी दिखा रहा है किस महीने में कितना हुआ है। उसके बाद ये कॉल है, यानी कि इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बदौलत हमको 12 लोगों ने कॉल किया है, यानी कॉल बटन पे क्लिक किया है, और जिसके तहत उसने ट्रैक किया और हमें गूगल बता रहा है कि भाई 12 लोगों ने आपके कॉल बटन पे क्लिक किया है। उसके बाद मैसेज की बात करें तो फिलहाल देखिए आप सितंबर से फरवरी तक कोई मैसेज नहीं आया है। बुकिंग की बात करें तो हमारे पास कोई बुकिंग नहीं है। डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपना गूगल मैप पे जब ऐड करते हैं तो कोई डायरेक्शन गेट करता है, कि डायरेक्शन के थ्रू आपके ऑफिस या आपके कोचिंग, आपके दुकान या जो भी बिजनेस आपका प्लेस है वहाँ तक आता है तो उसको ट्रैक करता है। तो ये 237 है, 237 लोगों ने डायरेक्शन का उपयोग किया है हमारे बिजनेस तक आने के लिए। उसके बाद है वेबसाइट क्लिक्स। यदि आपकी वेबसाइट है और उसको आपने इंटीग्रेट करके रखा है, ऐड करके रखा है, तो उसको भी ये ट्रैक करता है। तो पूरी परफॉर्मेंस आपको दिख रही है, इवन कि आपकी ओवरव्यू हो गया, लोग कितने इंगेज हुए, इंटरेक्ट हुए, कॉल आया, मैसेज आया, बुकिंग, डायरेक्शन, वेबसाइट, ये तमाम चीज़ें। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपका परफॉर्मेंस। इसके बाद एडवर्टाइज है। एडवर्टाइज मेनली ऐड के लिए होता है, हालांकि इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो गूगल का ऐड प्लेटफॉर्म एक अलग होता है जिसको गूगल एडवर्ड कहते हैं, तो इस गूगल एड्स पे लेकर चला जाएगा। तो ये फिलहाल हमको कोई ऐड चलाना नहीं है, तो ये ऐड के लिए होता है, सिंपल ऑप्शन ये है। इसके बाद यदि आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करके रखा, जैसे देखिए यहाँ पर हमने 2 प्रोडक्ट ऐड करके रखा, वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल प्रेजेंस, और यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है ऐड, यानी यहाँ से भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली आप यहाँ से एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे या तो इनको एडिट करें, यानी कोई बदलाव करनी है, कोई चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे सिंपल ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे आप प्रोडक्ट का नाम डालिए, कैटेगरी डालिए, उसकी प्राइस डालिए, यदि कोई डिस्काउंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आप डाल सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन डालिए। अब प्रोडक्ट का यदि कोई लैंडिंग पेज है आपकी वेबसाइट में, एक स्पेशल डेडिकेटेड पेज जिसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं, तो उसका आप URL भी दे सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो उस पर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर जाएगा और वहाँ पर डिटेल जानकारी लेगा।
इधर हम लोग फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को ऐड या एडिट कर सकते हैं। इसके बाद एडिट सर्विसेज है, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं ये तमाम चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ है अफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, ईमेल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लीड जनरेशन, लोगो डिजाइन, ऑनलाइन सर्विस, पेड एडवर्टाइजमेंट, पेपर के लिए, तमाम अलग अलग सर्विसेज है। तो इसमें कोई ऐड करना है, एडिट करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। वैसा लिस्टिंग जो कि नहीं है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब यूजर आपको विजिट करता है तो वो भी कुछ ना कुछ उस पर सजेशन भी देता है, तो उस स्थिति में गूगल आपको बताएगा कि यूजर आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये सर्विस के लिए ऐड करने के लिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ से एडिट करते हैं, एडिट में दोनों काम होगा, जुड़ भी सकता है और हट भी सकता है। इसके बाद बुकिंग का ऑप्शन आ जाता है, बुकिंग के लिए विशेष तौर पे हालांकि हमने दिया हुआ है एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके कोई भी हमारे बुक करेगा, बुक करने का मतलब हुआ कि हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट होगा, उसको जानकारी लेना होगा तो देंगे। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो बुकिंग का जो भी लिंक है आपके पास उसको भी आप यहाँ ऐड कर देंगे, और ये बुकिंग बटन पर जब क्लिक करेगा तो आपकी उस बुकिंग जो पेज बना है वेबसाइट पे वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है। तो इस ऑप्शन का उपयोग डायरेक्ट आपके कस्टमर बुकिंग सेक्शन में ही जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट बुकिंग करना है। यहाँ पे आपका Q&A है, Q&A बोले तो क्वेश्चन एंड आंसर। हालांकि अभी हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक कोई, हालांकि कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ दिखेगा और ओब्वियसली हम उसका उत्तर देंगे, तो आने वाले जो भी हमारे यूजर्स होंगे उस पर उन सबको उसका क्वेश्चन और आंसर दिखेगा। तो एक आपका Q&A बनते जाएगा, ताकि आपका यदि मानकर चलिए हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं और सेम कोई और यूजर आता है उसको भी दिमाग में वही क्वेश्चन है, लेकिन जैसे Q&A सेक्शन में पहुंचता है तो उस क्वेश्चन का उसे आंसर मिल जाता है, तो फिर उसको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फायदे होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट में ऑलरेडी लोग अपना Q&A भी लगा कर रखते हैं, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका ऐड अपडेट का। ऐड अपडेट पे हम लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खास तौर पे कोई भी आप पोस्ट डाल सकते हैं जो कि आपके गूगल पे कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए, क्या अपडेट है, क्या ऑफर है या कोई इवेंट है, तो उन तमाम तीन तरह की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। ऐड अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन जो कि ये एज ए पोस्ट के रूप में भी डाल सकते हैं, 1500 कैरेक्टर का यहाँ पे दे रहा है आपको लिखने के लिए, तो ये 1500 कैरेक्टर अच्छी आप डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आपका पोस्ट के नीचे आपका कॉल टू एक्शन रहेगा, मान डिटेल आप लिखे हुए हैं, उसके नीचे आपने लगा दिया कॉल बटन का, बुक नाउ का, बाई का, लर्न मोर का, साइन अप का, तो ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो मोबाइल नंबर पे कॉल वहाँ से लग जाता है, ये बेनिफिट हो जाता है। आप पोस्ट डालते हैं इसके थ्रू, मैं आपको बता दूं कि आपकी गूगल मैप में रैंक की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है, यानी कि आप जब जिस ज़्यादातर कीवर्ड पे काम करेंगे तो डेफिनेटली है कि कोई भी सर्च करेगा उस कीवर्ड से मैच करेगा, आप ऊपर आएंगे। तो ये ऐड अपडेट के माध्यम से ये तीन काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा है आस्क फॉर रिव्यू, जो कि मैंने पहले भी देखा, रीड रिव्यू में भी एक बटन बना हुआ था, सेम यहाँ भी है। आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट होता है, इसको आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ से इस लिंक को यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, प्रीव्यू लिंक कॉपीड, अब इसको अपने हिसाब से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से भेजे, और आपके जो भी कस्टमर है, क्लाइंट्स है, वो उस लिंक पर क्लिक करके ऑनेस्टली आपको रिव्यू देंगे, और इससे रिव्यू आपका वो जितना दे, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, और उसके हिसाब से आपकी बिजनेस की रैंकिंग जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी गूगल सर्च इंजन में भी या मैप में भी आपको टॉप पे आएगा। तो इस प्रकार से ये एक दर्जन टूल है, और ये बहुत ही बढ़िया, कह सकते हैं कि पहले वाले से ये इजी इंटरफेस बन चुका है, और आप आसानी से एक ही जगह पे जो आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो इस नए इंटरफेस की जानकारी है सही से ही मिली होगी, और यदि आपको जानकारी समझ में आई और अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और हम उम्मीद करेंगे कि आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि कोई और सुझाव है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।